हेलो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बेला की तरफ से। तो सबसे पहले तो बेला कुछ महीने पहले लाइव आए हुए थे, पहले आप उसकी एक क्लिप देख लो। मेरे आते हैं भाई श्लोका पे और RCR पे। मैंने यार अभी बहुत से रूमर्स सुने कि लाइक बहुत लोग मैसेजेस डाल रहे हैं कि बेला श्लोका से हमारी बात हुई, RCR से हमारी बात हुई, एंड दे आर सेइंग कि वो लोग हसल इसलिए नहीं जीते बिकॉज शो वाज स्क्रिप्टेड और उन्होंने मुझे जीतने दिया, उन्होंने जानबूझ के अपने लिरिक्स हारे क्योंकि दे डिडंट वांटेड टू विन आफ्टर ऑल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये चीज़ वो लोग मेरे मुंह पे नहीं बोल रहे हैं तब तक आई अप्रिशिएट योर लाइक सीरियसली योर सेक्रीफाइस, आई अप्रिशिएट योर सेक्रीफाइस RCR एंड श्लोका एंड एवरीवन जो ये बोलता है कि मैं हसल, वो लोग हसल इसलिए हारे क्योंकि द शो वाज स्क्रिप्टेड, सो थैंक यू। और अगर ये चीज़ तुम मेरे मुंह पे बोल दो तब मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम मर दो। और अभी हाल ही में श्लोका ने इसका रिप्लाई किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम लाइव पर, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कल RCR अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे और उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। ये बेला और श्लोका का यार हम तीनों का ही कुछ ना उसने मतलब लाइव होके जब बोला था कि अपना RCR और श्लोका लोगों से कह रहे हैं कि हमने बेला को हसल जीतने दिया, हम इसलिए हार, तो ये थोड़ा सा मैच्योरिटी यहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए कि या सामने वाले इंसान से अगर तुम इतना लाइव होके बोलने का रखते हो तो फोन करके मेरे से बात कर सकते हो कि मैंने बोला या नहीं बोला। मतलब मुझे ये चीजें बेतुकी सी लगती हैं कि आप कुछ भी बोल दो और बोला कि अगर मर दो तो मेरे सामने बात करो। भाई मैं तुम्हारे से डरूंगा, क्यों डरूंगा? और मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे डरने की जरूरत है? उस खुदा के अलावा हम किसी से डरते नहीं और ना कभी डरेंगे। तो इस सब पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार का कल दुबई में शो था जिसमें उन्होंने काफी सारे उनके सॉन्ग परफॉर्म किए हुए थे और वहां पर उन्होंने उनका जो डिस्ट्रैक है शेख चिल्ली वो भी परफॉर्म किया हुआ था, आप खुद देख सकते हो उसकी क्लिप। अगली जो न्यूज है वो आ रही है हरकत वाला फरदीन की तरफ से। तो हरकत वाला फरदीन का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ था कि जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते तब तक उनके सॉन्ग नहीं आने वाले। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो भी गए हों क्योंकि सिर्फ 1500 सब्सक्राइबर्स ही रहे हुए हैं 1 मिलियन होने में। साथ ही जो काश्मीर है उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें कि लिखा हुआ था देसी हिप हॉप एल्बम 80% डन और आपको पता ही होगा कि इसमें काफी सारे कोलैब हैं, इक्का, कृष्णा और भी कई सारे। साथ ही श्लोका की EP से उनका फर्स्ट ट्रैक रिलीज हो चुका है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।